ट्रिपल पंगा का तीसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में शुरू होने वाला है। आज जयपुर पिंक पैंथर्स के टीम ओनर अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है। आई एम श्योर वो जन्मदिन के दिन भी पार्टी करने के बजाय अपनी टीम का मैच जरूर देख रहे होंगे। बहुत पैशनेट है वो स्पोर्ट्स को लेकर, खासतौर पर कबड्डी को लेकर। यहाँ विकास कंडोला आए हैं, आराम से पॉइंट लाए हैं। वन पॉइंट हरियाणा सीनियर, जर्सी नंबर थ्री आउट। जर्सी नंबर थ्री है विशाल, लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे थे। इतनी हल्की फुल्की अधूरे मन की डाइव, मतलब क्या ये सोच रहे थे कि विकास कंडोला खुद बाहर निकल जाएंगे? हरियाणा के पॉइंट हमने देखे, तीन पॉइंट टैकल में है। जयपुर का पहला पॉइंट डिफेंस में आया है। विकास कंडोला या हरियाणा का कोई भी रेडर आज पहली बार आउट हुआ है 12 मिनट बीत जाने के बाद। डू ऑर डाई रेड है यहां पर अर्जुन देशवाल। रेड पर अब तक के दो पॉइंट कमा चुके हैं और टॉप फॉर्म में है अर्जुन देशवाल। और मैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कह रहा था कि कैसे अपने आप को रोज इंस्पायर करें, तभी करेंगे जब आप तन-तन पॉइंट्स कमाएंगे। जर्सी नंबर 12 आउट। राइट रेडर बनाम राइट कवर का मुकाबला था। अभी तो चार पॉइंट का ही अंतर है, लेकिन 20 मिनट का खेल भी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए कौन आया है मैट पर, मेरे फेवरेट है इस सीजन, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, मीतू नाम है इनका। और आते से ही उनका स्वागत किया जयपुर पिंक पैंथर्स ने। उन्होंने बोला भाई तू भी हमारा फेवरेट है, रुक जा। जयपुर पिंक पैंथर्स डिफेंस में जयपुर की पांचवी कामयाबी है। विकास कंडोला पहले ही रिवाइव होकर अंदर आ गए, तो बहुत अच्छा टेक्टिकल चेंज है ये राकेश का। बिल्कुल सही कहा सुनील आपने, कहां ऑल आउट की कगार पर हरियाणा स्टीलर्स खड़ी थी, कहां ओहो अर्जुन देशवाल। वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, जर्सी नंबर 12 आउट। जयपुर पिंक पैंथर्स की उम्मीद अर्जुन देशवाल से। आज के मुकाबले में भले ही सुपर 10 ना लगाया हो, लेकिन पांच रेड पॉइंट्स और पांच बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स। खेल बदल गया और यहां पर जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। इस सीजन में जयपुर से अपनी पिछली हार का बदला लिया है हरियाणा के धाकड़ बॉयज ने।